The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों। आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं आपके फेशियल्स पे। तो फेशियल की आपको ज़रूरत है कि नहीं है, तो व्हाट ये एक्चुअली डिमांड आई थी हमें एक हमारे फीमेल सब्सक्राइबर द्वारा कि जब भी वो पार्लर में जाते हैं तो ये करा लो, ये फेशियल करा लो, आपकी स्किन में ये कमी है, ये ठीक हो जाएगा, आपके पिंपल्स हट जाएंगे, क्लेंजिंग करनी बहुत ज़रूरी है, आप एक ग्लो के लिए बहुत ज़रूरी है, आप और ज़्यादा 10 साल 5 साल 9 साल यंग दिखने लगोगे, ये वाला फेशियल वो वाला फेशियल। तो फेशियल की ज़रूरत है या नहीं? आर दे एक्चुअली, क्या वो एक्चुअली काम करते हैं? क्या आपको इवन पार्टीज़ के लिए या शादी ब्याह के लिए फेशियल बहुत ज़रूरी कंपलसरी है? आज उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में सच्चाई आपको बताएंगे। तो टेक्निकली आप जब फेशियल के बारे में सोचते हैं तो आप टीवी पे या कहीं पर कमर्शियल्स या फोटोज़ देखते हैं कि फीमेल्स लेडीज़ जो हैं, सुंदर सुंदर कन्याएं जो है अपने मुंह पे बढ़िया बढ़िया सा फेशियल लगा के खीरे खीरे आँखों में रख के बढ़िया से लेटते हैं, वाह 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 मज़ा आ गया। नहीं सो फोटो देख के आपको लगता है कि ये तो भाई बहुत अच्छा होना ही है, तो ये तो स्किन के लिए बहुत परफेक्ट है और ये ज़रूरी है, इसके बगैर स्किन जो रूटीन है, स्किन केयर जो है वो ख़त्म नहीं, मतलब पूरी नहीं हो सकती, अधूरी है। सो टेक्निकली ऐसा नहीं है। Facials are not needed for proper cleansing of your face. That is wrong. नहीं ज़रूरत है उनकी। जो आप डेली बेसिस पे सफाई करते हैं अपने फेस की, एक रूटीन क्लीनिंग कैसे करते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग में, वो सबसे बड़ा डिसाइड करता है कि आपका फेस कितना क्लीन रहेगा। दैट इज एक्चुअली मोर देन इनफ। फेशियल अपने आप में आपके फेस को क्लीनर नहीं करता है, पर यस, वो उसे रिफ्रेश फील ज़रूर करा सकता है, बिकॉज इट गेट्स मोर, स्किन फील्स मोर रिफ्रेश, दैट्स वाई यू फील कि हाँ स्किन और साफ हो गई है, बट टेक्निकली ऐसा नहीं है। सेकेंड मेन इशू जो फेशियल में आता है, लोग कहते हैं कि एक्ने जो हैं वो आपके फेशियल से साफ हो जाएंगे, आने बंद हो जाएंगे, ब्लैक हेड्स ख़त्म हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली पिंपल्स का ऐसा नहीं होता। पिंपल्स का अपना एक साइकिल होता है और पिंपल्स प्रॉपर अगर आप उसके रेजीम को, उसके साइकिल को नहीं समझते, वो क्यों पैदा हो रहे हैं, आप कहाँ गलती कर रहे हैं, ऑयल ज़्यादा प्रोडक्शन है, पोर्स ब्लॉक हो रहे हैं, आप साफ ज़्यादा कर रहे हो, ड्राई ज़्यादा कर रहे हो, क्या इशू है, पानी कम पी रहे हो, आपकी स्किन केयर रूटीन में प्रॉब्लम है, तो फिर वो नहीं जाएंगे। तो एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट, प्रॉपर फिजिशियन ही उसे प्रॉपर थेरेपेटिक रूटीन दे सकते हैं कि भाई आपका एक्ने ख़त्म हो जाए। प्लस अगर वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्ने हैं तो वो किसी भी फेशियल से तो दूर की बातें नहीं जाने वाले। एक अच्छा फेशियलिस्ट, अगर फेशियल आप करा भी लेते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो इरिटेटिंग ब्लैक कलर के बम्प्स होते हैं उनको वो हटा सकते हैं, क्लॉग्ड पोर्स को वो खोल सकते हैं थ्रू वट एवर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस दे हैव। मगर जो इस एक्सट्रैक्शन में जो प्लग होता है ना उस एक पोर के ऊपर, उसे जेंटली रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको जेंटली रिमूव नहीं किया, बहुत हार्शली रिमूव किया, तो इन्फेक्शन घुसने का रिस्क होता है, वहाँ पे स्कार बनने का रिस्क होता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए रिकमेंडेशन तो बोलती है कि आप ये भैया डर्मेटोलॉजिस्ट से ही करवाओ, अगर आप बहुत डीप क्लेंजिंग कराने की बात कर रहे हैं एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हाँ, फेशियल्स आपके एक्ने को नहीं रिमूव करेंगे, आपके ब्लैक हेड्स को वो हटा सकते हैं, मगर इट माइट बी मोर हार्श टू योर स्किन देन इट शुड बी। ओके, सो जेंटल इज मोर इम्पॉर्टेंट। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फेशियल का आता है, क्या शादी ब्याह पार्टी इवेंट्स से पहले आपके चेहरे पे ग्लो लाने के लिए फेशियल बहुत ज़रूरी है। सारे ही करवाते हैं, दुनिया भर के सारे लोग करवाते हैं, तो एक आदत सी पड़ गई है कि भी शादी ब्याह किसी पार्टी से पहले कुछ ना कुछ आपने फेस पे कराना है, या मेकअप या फेशियल या कुछ भी। सो टेक्निकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग उसमें कई बार स्टीम का इस्तेमाल करते हैं और कई ये एक स्टीम का साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, उसके वजह से आपकी स्किन, ब्लड वेसल्स लिटरली ब्रेक हो सकते हैं, आपकी स्किन जो है इरिटेट हो सकती है, लाल लाल जैसा लगता है ना, स्टीम होगी, लाल होगी, फूल गई, ऐसा नहीं, एकदम फ्लफी दिखने लगी, तो ऐसा एक्स्ट्रा ड्यू के लिए, तो वो एक पॉइंट आपके लिए गलत हो गया। स्टीम का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। देन कई सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स अगर आप लगाते हैं, नए प्रोडक्ट्स आप लगाते हैं, कई बार आप अपने रेगुलर प्रोडक्ट्स की जगह पार्लर पे जाके नए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट यू माइट बी एलर्जिक टू, आपको नहीं पता। नया पार्लर, नया क्रीम, नया चीज़ें, नया मेकअप, फाउंडेशन एक्सेट्रा, तो नया क्रीम, नया मेकअप कैन, आपकी स्किन, मान लो आपने लगा के गए और पार्टी में आपको खुजली होने लगे और कुछ ही घंटों में आपकी स्किन लाल दाने दाने दाने, तो फिर सोचो व्हाट काइंड ऑफ डिजास्टर दैट मिट बी। सो देयर इज अ स्मॉल रिस्क ऑफ एलर्जीज, देयर इज अ स्मॉल रिस्क ऑफ स्किन इन्फेक्शंस बिकॉज कोई अगर मान लीजिए एक्सट्रैक्टेड पोर्स हैं उसके ऊपर आप और चीजें लगा रहे हैं पॉसिबली, राइट. देन पिंपल्स का रिस्क तो आपको पता ही है, क्रीम्स एंड ऑल से पिंपल्स का रिस्क होता है. एंड इसमें इंडियन स्किन इज एक्चुअली मोर सेंसिटिव जो देखा गया है डर्मेटोलॉजिकल स्टडी से पिंपल्स के लिए, पिंपल्स के लिए. नाउ टू गेट अ ग्लो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप समझें कि कौन सी चीज रिकमेंडेड है. डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं फ्रूट एसिड पील्स या फिर फोटोफेशियल्स जो आपके अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे विथ मिनिमल रिस्क के साथ. एंड अगर आप एक्चुअली में फेशियल कराना चाहते हो, इफ़ यू रियली नीड टू गेट इट, उसको कुछ हफ्ते पहले करिए. कोई भी इवेंट है उससे कुछ हफ्ते पहले, क्योंकि अगर आपको कोई साइड इफेक्ट हुआ भी तो आप उसे ट्रीट करा सको, राइट. देन क्या फेशियल से आपका स्किन जो है जवान दिखने लगे? कैन इट फेशियल्स मेक योर स्किन लुक यंगर? टेक्निकली कोई फेशियल आपके जो जवानी की जो उम्र की साइकिल है उसको वापस उल्टा नहीं घुमा सकता. टेम्पररीली फेशियल्स आपकी स्किन को थोड़ा स्मूथ दिखा सकते हैं, थोड़ा बहुत रिंकल्स को स्मूथ कर सकते हैं. कैन मेक लुक स्किन थोड़ी प्लमर दिख सकती है, थोड़ी सी मॉइस्ट दिख सकती है, मास्क जैसी क्रीम्स दिख सकती हैं. मगर टेक्निकली ये टेम्पररी होता है. टेम्पररी दिखना और एक्चुअली यंग होने में बहुत फर्क है. इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म रिजल्ट. सो रियली अगर आप लॉन्ग लास्टिंग यंगर लुकिंग स्किन चाहते हैं तो यू नीड प्रॉपर इवेल्युएशन ऑफ योर स्किन केयर रूटीन. आपके स्किन में डैमेजेस क्या है, आप पानी कितना पीते हैं, स्किन के नीचे वाटर लेयर्स, उसके डर्मिस, एपिडर्मिस, उसके स्किन के जो पोर्स वहाँ पर क्या हो रहा है, स्कार टिश्यू कितने हैं, क्योंकि स्किन को यंगर, टाइटर, लेस रिंकल्स फ्री या रिंकल्स बनाने के लिए स्किन केयर रूटीन के साथ कई बार मेडिकल ट्रीटमेंट, डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी जरूरत होती है. सो यस, फेशियल्स की कोई आवश्यकता नहीं है. ज़बरदस्ती फेशियल हर बार कराना ज़रूरी नहीं है, बट उसे कराने से बहुत कोई मेजर नुकसान भी नहीं है, राइट. ये याद रखिएगा. बट हल्के फुल्के रिस्क है जो हमने आपको बताया, उसका ध्यान रखो. एंड टेम्पररी बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, बट मिराकुलर कोई मिराकल नहीं होने वाला, राइट. सो रिमेंबर, इफ़ यू गेट योर फेशियल्स, आप एक अच्छी जगह से कराएं. और रिस्क तभी होगा अगर आप अनट्रेन हैंड से एक कोई एग्रेसिव फेशियल्स या पील्स करा रहे हैं, वहाँ पर रिस्क आपका बढ़ जाता है. सो दिस इज अबाउट इट. सो यू आर मोर ब्यूटीफुल नेचुरली अगर आप एक बढ़िया स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं. स्किन केयर रूटीन के लिए मेरे स्किन केयर रूटीन वाले वीडियोस देखिए. बेसिक स्किन केयर रूटीन से एक अच्छी विदाउट मेकअप लुक आपकी परफेक्ट आ सकती है. सो थैंक यू सो मच. प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.